का बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के अधीन असेंबली सोली ऑर्गेनाइजेशन लगी डेली बेस तो ये मिलकर जैसी मेन्स हाइजीन किट्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव की है तो ये असी लेडीज़ ने एक छोटा जा सैमीनार डॉक्टर द्वारा करवाया से ताकि उन्होंने अवेयर करा सके मेन्सट्रुअल हाइजीन बारे तो मेन्सट्रुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ बारे एक अजिहा विषय है जिसके बारे बहुत ज़्यादा गल नहीं की जाती है बट ये लेडीज़ की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसको जिन्होंने डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना बहुत जरूरी है इसलिए ही संघी सेवी ने बीड़ा चुकया कि एसोसीएशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जलंधर असी ये ड्राइव जरूर भी करा ताकि असं होर पूरे जलंधर डिस्ट्रिक्ट को कवर कर सके स्पेशली साडा फोकस रहेगा रूरल एरियाज़ के अर्बन स्लम एरियाज जिसे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत हैगी है उतने की लेडीज़ को एजुकेट करना उन्होंने हेल्थ पर बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये दो तीन चीज़ें होंगे कि एक तो अफोर्डेबिलिटी नहीं हैगी इसलिए लेडीज़ जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुअल सैनिटरी जो नैपकिन है वो नहीं यूज़ करती तो क्लॉथ की वरतों करती है तो ये उन्होंने एजुकेट करना जरूरी है कि ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश करके सैनिटरी नैपकिन अपना तो जो कपड़ा भी यूज़ करना है तो वो हाइजीन बारे उन्होंने समझाना बहुत जरूरी है ताकि अगर चल के उन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लेकर कोई प्रॉब्लम ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के अधीन ही अच्छे जो मास्क है तो सैनिटाइजर वो बने गए क्योंकि कुछ असं सारे जानते हैं कि साडा सारा देश ही अज पेंडेमिक जूझ रहा है तो सानू बहुत ज़्यादा जरूरत है कि इकोनमी को चलाने वास्ते कि असी बाहर निकलीए तो ज अपने कामों जो लेकिन वो प्रिकॉशन वर्तनिया बहुत जरूरी है तो मास्क एक बहुत ही बेसिक जी चीज़ है जो सारे उन्होंने यूज़ करिए तो असं यदि इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा घटा सकते हैं तो ना रिपीटली हैंड वॉश करिए सैनिटाइजर का यूज़ करिए तो असं इन्फेक्शन बहुत घटा सकते हैं अपने आप को बचा सकते हैं। खैर भाजी सत श्रीकाल अज असी जलंधर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नाल मिलकर मेरे पिंड बिलगा दे विच असी पहुंचे हाँ डॉक्टर गगन कुलनाथ कोड़ी इन्होंने संगरूर पोस्टेड सीगे तो असी एक मुहिम चलाई मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो कि इन्हों की सहायता के नाल अज असी 17 इंडियन स्टेट्स के मेंस्ट्रुअल हाइजीन कर चुके हैं। फिर एक दिमाग में आया कि क्यों ना मेरा जिहड़ा अपना पिंड है मेरे फादर साहब सरदार रशपाल सिंह जी जो कि PSPCL चो एज अ रिटायर्ड इंजीनियर इन चीफ ने कि उन्हों का पिंड है मेरे दादा जी सरदार मोहिंदर सिंह जी मेरी बेबी दादी जी सरदारनी सुरजीत कौर इतों के पिंड ने पिंड के वासी ने तो दिल के एक इच्छा आई कि जो 17 स्टेट्स के पहुँच गए तो अपने पिंड के जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर गगन ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने DGO साहब ने दुपिंदर जी इन्हों की हेल्प के नाल असी जी अज एक दो मुहिम शुरू की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अधीन असी अज कोविड के रिलेटिड जानकारी दिती मेंस्ट्रुअल हाइजीन बारे जानकारी दिती सैनिटाइजर वंडे इन्हों मास्क वंडे और अज एक होर ब्यूटीफुल असी इनिशिएटिव शुरू कर जा रहे हैं। असी ये निश्चय किया है कि हुण इस बिलगा पिंड दे विच एक जागरूक फाउंडेशन है उन्हां दी सहायता दे नाल 10,000 मेडिसिनल प्लांट्स पूरे जलंधर एडमिनिस्ट्रेशन दे विच असी लगावांगे जिहदी शुरुआत अज असी बिलगा पिंड चों करांगे। ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਗਲੋਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੋਲੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ DC ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਅਤੇ ਗਗਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।